हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल JS कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा FIJC एडमिशन प्रोसेस स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स का स्पेशल राउंड 2 में भी नाम नहीं आया, तो वो स्टूडेंट्स अभी बहुत परेशान हैं और वो जानना चाहते हैं कि इसके बाद में कौन सा राउंड होगा। आई एम राइट और रॉन्ग? सो अगर आपका कोई भी लिस्ट में नाम नहीं आया, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। और रिक्वेस्ट करते कि हमारे और भी जो अपलोडेड वीडियो, प्लीज़ वो इस वीडियो को ज़रूर देखना। एक चीज़ और, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो। एक हमारा व्हाट्सएप में ग्रुप है, अगर आप उसमें ऐड होना चाहते हो FIJC एडमिशन प्रोसेस को लेके, हम लोग अपडेट देते रहते, तो आप क्या कर सकते हो, ज्वाइंट हो सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब बात आती है ये कि सर, इसके बाद में क्या थर्ड राउंड स्पेशल होगा कि FCFS राउंड होगा? हम इसमें सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे FCFS राउंड, फर्स्ट कम फर्स्ट सर, मतलब जो राउंड होता है। सर ये क्या होता है, इसमें डायरेक्टली एडमिशन होता है क्या? यस, अगर ये राउंड होता है, ये कब पता चलेगा हमको? 18 सितंबर को पता चलेगा कि स्पेशल राउंड थर्ड होने वाला है कि FCFS राउंड होने वाला है। ये जो FCFS राउंड होता है, बहुत लास्ट राउंड है, इसके बाद में कुछ राउंड नहीं होगा। इसमें क्या होता है ना, जो कॉलेजेस में वैकेंसी होगी, डायरेक्टली आपका एडमिशन होगा। सर कुछ समझ में नहीं आया, सर एक डिटेल में थोड़ा सा बताइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने लॉगिन आईडी की, इसकी डेट होती है, ठीक है, कि ये डेट से आपका FCFS राउंड शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले लॉगिन करना होगा। जैसे अगर FCFS राउंड शुरू होता है, इसकी डेट 18 को पता चलेगी क्या FCFS राउंड शुरू हो रहा है कि स्पेशल राउंड थर्ड शुरू हो रहा है। अगर FCFS राउंड शुरू होता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको लॉगिन कर लेना होगा। जैसे आप लॉगिन करोगे ना, तो आपको ऑप्शन, जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर से देखिए, ठीक है, अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो आपके पास में ये ऑप्शन ओपन हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर ना आपको एक ऑप्शन आ जाए यहीं पर, क्या पार्टिसिपेट इन FCFS राउंड, ठीक है, कहाँ शो होगा, यहीं पर अप्लाई पर, ठीक है। तो एक कॉलम ऐड हो जाएगा FCFS राउंड। आप जैसे ही वहाँ क्लिक करोगे ना, तो आपको सेम जैसे कौन से कॉलेज में ऐड करना है, कोई भी एक कॉलेज में आपको डायरेक्ट सेलेक्ट करना है। जो कॉलेज में वैकेंसी होगी, वो कॉलेज का नाम शो होगा, LC कॉलेज का नाम शो नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जो भी जोन सेलेक्ट किए होंगे, एरिया सेलेक्ट किए होंगे, तो उसके बाद में आपको वो कॉलेजेस एरिया की कॉलेज दिखेगी। तो जो कॉलेज शो हो रही, डैट मीन्स वहाँ पे वैकेंसी है। अगर कॉलेजेस शो नहीं हो रही, मतलब वहाँ की कॉलेजेस फुल हो गई है। अब जहाँ पे वैकेंसी आप सेलेक्ट करो, आपका एडमिशन हो गया, आप कॉलेज में जाओ, वो एडमिशन फॉर्म दिखाओ, ले लो। मतलब जो चाहिए वो कॉलेज में एडमिशन होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना है। आप कहीं पर भी ऑफलाइन एडमिशन मत लो। हाँ, अगर ऑफलाइन एडमिशन हो रहा है, तो जो कॉलेज की फ़ीस है, वो कॉलेज की फ़ीस में अगर एडमिशन हो रहा है, वेल एंड गुड। बट प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स से, डोनेशन मत दो। एजुकेशन डिपार्टमेंट आपके लिए बेटा है, जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा। ये सभी को पता है कि कॉलेज में एडमिशन होगा, तभी ये कॉलेज होगा। तो इनको पता चलता है कि आपका एडमिशन हुआ कि नहीं। सर कैसे मालूम पड़ेगा कि, देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ रहता है कि कितने बच्चों का फॉर्म लॉक हुआ है, कितने बच्चों का फॉर्म लॉक नहीं हुआ है, यहाँ पे क्लियरली लिखा रहता है। तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, अभी भी बहुत सारे बच्चे बाकी है, तो अभी हमको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, ताकि जितने स्टूडेंट्स का एडमिशन होते जाता है, वहाँ पर उनको शो होते जाता है, ताकि कॉलेज के पोर्टल में लोग शो करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन होता था कि कितने स्टूडेंट्स अभी और बाकी है, कितने स्टूडेंट्स का हो गया है, देखो यहाँ पर। तो इनटेक इतना है और एडमिशन इतने हुए हैं, और वैकेंसी अभी भी देखो कितनी है, 1 लाख तक अभी तक वैकेंसी है, मतलब अच्छी खासी वैकेंसी है। 1 लाख ही है, तो इतनी वैकेंसी अभी भी है, ठीक है। 1 लाख समथिंग तक की वैकेंसी है, कितनी है, 1 लाख वैकेंसी है, मतलब अभी भी 1 लाख बच्चों का कॉलेज में आराम से एडमिशन होगा। और 17 लाख स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिए है, और इतना अभी भी इनटेक है, तो अच्छा खासा एडमिशन प्रोसेस बाकी है। अब वो वेट करना होगा कि
कौन सा प्रोसेस होगा, FCFS राउंड होगा क्या थर्ड राउंड होगा? तो मेरा तो ऐसा जजमेंट बोल रहा है कि आपका थर्ड राउंड होगा, उसके बाद में क्या होगा आपका FCFS राउंड होगा, ताकि अभी ATKT स्टूडेंट्स के रिजल्ट आए तो उन लोगों को भी एडमिशन लेना है। और एक डिटेल में हम लोग ने वीडियो बनाया लास्ट ईयर का, मेरा एक वीडियो अपलोडेड है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें हम लोग ने कंप्लीट वीडियो बताया कि आप लोग को कैसे फॉर्म फिल करना है FCFS राउंड का, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखो, आपके 100% डाउट क्लियर हो गए। और अभी हम आपको एक एग्जैक्टली डेट नहीं बता सकते, लेकिन 18 सितंबर के बाद में ही जो भी होगा फाइनल, या तो FCFS राउंड होगा या तो फिर क्या होगा आपका स्पेशल राउंड थर्ड होगा। तो आप दुआ या तो प्रेयर कर सकते हैं, स्पेशल राउंड थर्ड होना चाहिए ताकि एक चांस और मिल जाएगा आपको, ओके। और जो FCFS राउंड का है आपको पता चल जाएगा, वो एक वीडियो देखोगे तो हमारा रिकॉर्डेड वीडियो है, ऑलरेडी हम लोग ने अपलोड की है, तो उस वीडियो देखने के बाद में आपको अच्छा लगा कि हाँ भाई जो कॉलेज में चाहिए वो कॉलेज में एडमिशन होगा, लेकिन वो वीडियो देखने के बाद में। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, बहुत मेहनत लगती है आप तक वीडियो को पहुँचाने में, टाइम निकालना पड़ता है हम लोगों को भी। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।